अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताजा न्यूज से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ तमिल संगम द्वारा आयोजित पोंगल उत्सव समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सेक्टर 30 स्थित भारतीय भवन परिसर में सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने पोंगल उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री जी ने जैसा एक संस्कार के तहत हमको एक आह्वान किया था कि हमको विभिन्न प्रांतों में आपस में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक लोगों का आपस में एक दूसरे को जानने का अवसर मिलना चाहिए, तो उसी क्रम में मैं समझता हूँ तमिलनाडु के लोगों ने जिस प्रकार चंडीगढ़ में ये अपना तमिल संगम का एक कार्यक्रम किया है, दोनों प्रांतों में, इसमें तम चंडीगढ़ चूँकि हरियाणा की राजधानी है तो दोनों प्रांतों के अंदर एक आपसी सूझबूझ बनेगी और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक विचार है, जो एक हमारा एजेंडा है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से सब प्रांतों में आपस में इस प्रकार का तालमेल बढ़ना चाहिए। पोंगल एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे देश में समाज के लोग इसको एक परिवर्तन का एक त्यौहार मानते हैं। किसान लोग खास करके इसमें अपनी फसलों को जब बुआई के बाद कटाई करते हैं, अगले साल में नई फसलें बोते हैं और घरों के अंदर खुशी मनाते हैं, एक खुशियों का ये त्यौहार है। और रूरल जो हमारा इंडिया है उसके अंदर पोंगल है, संक्रांति है, इस प्रकार के त्यौहार का अपना एक महत्व है। तो इसकी शुभकामना मैंने आज तमिल के जो हमारे लोग हैं, यहाँ के तमिल समाज के लोग रहते हैं, उनको उसकी शुभकामना। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़, अर्थ प्रकाश वेब टीवी।